ढूंढने का सफर आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पहुंचने की उम्मीद तो होती है, लेकिन कब पहुंचेंगे ये पता नहीं होता। ऐसे ही सफर करते हुए एक दिन हम लोधा कॉम्प्लेक्स के उस फ्लैट के अंदर पहुंच गए जहां का दरवाजा खुलते ही मुझे लगा, यस, दिस इज लव एट फर्स्ट साइट। ये दहलीज, ये दीवारें, ये खिड़कियां, मानो सब कुछ मेरे लिए ही बनाया गया हो। एंड व्हेन आई वाज आस्क्ड अबाउट माय डिसीजन, इट वाज स्पॉट ऑन। सीधे एक ही घंटे में डाउन पेमेंट, क्योंकि जब कोई चीज दिल से पसंद आ जाए ना तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन अपने घर में रहने के लिए जाना हुआ। अपना, इस लव्ज में कुछ तो बात है, इसे लोगों से जोड़ दो या फिर घर से, एक रिश्ता बन ही जाता है। रिश्ते तो खैर उसी शाम बन गए थे जिस दिन मैंने अपने ही कॉम्प्लेक्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इनवाइट ये सोचकर सेंड कर दिया कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। दोपहर तक मैं और मेरे पेरेंट्स ही थे, लेकिन शाम होते होते तकरीबन 50 लोग आ गए जो मेरे ही कॉम्प्लेक्स के थे। आए तो अजनबी बनकर, लेकिन जाते हुए मुस्कुराते और दोस्त बनकर गए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक ही घंटे में लिया हुआ घर खरीदने का डिसीजन कितना सही और जरूरी था, क्योंकि सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपनेपन का एहसास दिलाने वाले दोस्त भी तो मिले थे मुझे। मुझे अपने घर के आसपास की हर चीज बहुत पसंद है, फिर चाहे वो पोडियम लेवल पे ओपन ग्रीन एरिया में जाकर शाम को वॉक करना, या फिर सुबह सुबह जिम जाकर दौड़ लगाना, या फिर स्विमिंग पूल के आसपास बैठकर छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना। पर सबसे खास जगह है मेरे घर की बालकनीज, घर का एक ऐसा कोना जहां पर बैठकर मैं खुद से मिल लेती हूँ। बस मैं, मेरी किताबें, मेरी कॉफी और तकरीबन आधे शहर का व्यू। अब जब हर रोज मैं बालकनी में खड़ी होकर अपनी घर की तरफ देखती हूँ, आई फील दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव गिवन इट टू माई सेल्फ एंड टू माई फैमिली, बिकॉज दिस प्लेस विच इज वन ऑफ द सिटीज फाइनेस्ट होम्स हैज अनेबल्ड अस टू लिव द लाइफ वी वॉन्टेड एंड ड्रीम्ड ऑफ।